हमारे पास आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश मुखी का, और जगदीश मुखी को अपनी जीत का भरोसा है। उनकी बात सुनते हैं, क्या कह रहे हैं वो। हम अब तक के एवर बिगेस्ट मार्जिन से जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर्वे के आधार पर कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से 35 के आंकड़े को पार करेंगे। बस 15 मिनट बाकी है, उम्मीद की जा रही है काउंटिंग शुरू होने के 15 से 20 मिनट बाद ट्रेंड्स आने लगेंगे। सबसे ज्यादा उत्साह आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स ने, ओपिनियन पोल्स ने आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाया है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के पटेल नगर ऑफिस की है। बड़ा उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, वॉलंटियर्स की भीड़ आपको दिखाई देगी। काफी तैयारियां हैं, बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को अपनी जीत की। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के पटेल नगर ऑफिस की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लिए हुए हैं, इनमें जोश है। 5 साल केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं, लाउडस्पीकर पर घोषणाएं की जा रही हैं, और बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर वहां अपने कार्यकर्ताओं को नचीजें दिखाई देंगे। आपको याद होगा पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान भी हमने तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लोग इकट्ठा हुए थे, और जैसे एक एक सीट का नतीजा आ रहा था झाड़ू उठाकर वो लोग नारे लगाते थे। और अब आपको बीजेपी के ऑफिस का हाल दिखाते हैं। सौरभ हमारे साथ में, सौरभ बीजेपी के कार्यालय में है, किस तरह के माहौल, किस तरह का मूड बीजेपी के कार्यालय में दिखाई दे रहा है सौरभ? राजी, उम्मीद के बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर माहौल। आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर सामने की तरफ देखें, जो ये गली है यहीं पर बाईं तरफ स्क्रीन के जाकर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ही मिनटों पहले वहाँ पर ताला खोला गया है। अभी भी यहाँ पर कुर्सियाँ जस की तस लगी हैं, उन्हें करीने से बिल्कुल नहीं लगाया गया है। और इस तरफ अगर मेरे दाहिनी तरफ मैं बात करूँ तो स्क्रीन यहाँ पर ज़रूर एक लगाई गई है नतीजों को दिखाने के लिए, लेकिन वो अभी भी उस पर काम चल रहा है, एक तरह से पूरी तरह से उसे एक्टिवेट नहीं किया गया है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। जिस हिसाब से आमतौर पर नतीजों के बाद यहां पर नतीजों के इंतजार में बहुत सारे कार्यकर्ता उत्साहित यहां पर रहते थे, ढोल नगाड़ों के साथ रहते थे, लेकिन इस बार लगता है कि सर्विस जरूर उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डिगा है। जरूर कल तक नेता ये कहते रहे हैं कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, वो बहुमत के करीब पहुंच पाएंगे, लेकिन यहां पर दिल्ली भाजपा के कार्यालय में अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। किस तरह का नजारा है वाकई में, एग्जिट पोल ने काफी मोरल डाउन किया है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में, बाकी चुनाव में देखा बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग दफ्तर में होते थे। अब जरा कांग्रेस का हाल और देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हालत अगर खराब की है एग्जिट पोल ने, ओपिनियन पोल ने, वो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस में क्या हाल है ये एक बार देख लेते हैं। संदीप सोनवलकर हमारे संवाददाता कांग्रेस के कार्यालय में है। संदीप जी, निश्चित तौर पर जी कांग्रेस में नेता नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ दो तस्वीरें पुरानी मैं आपको दिखाना चाहूँ, इंदिरा जी की और राजीव जी की। इन्हीं तस्वीरों के सहारे कांग्रेस चल रही है, और कांग्रेस को लगता है कि इन तस्वीरों के सहारे वोट मिलेगी। मुश्किल यह है, नेता जमीन पर उतरते नहीं है, दिल्ली में संगठन नहीं है, और फिर ये दोष लगाते हैं कि वोटर चले जाते हैं। कांग्रेस को जमीन पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब तक जमीनों में नहीं है, तस्वीरों में नजर आ रही। यही वजह है कि कांग्रेस की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस को लगता है कि जो कुछ मिलेगा शायद कोई कांग्रेस के लिए चमत्कार।